सब्सक्राइब कीजिए इंडियन कॉइन मिल चैनल को और दबाइए इस घंटी को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन कॉइन मिल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रुपए के इस कीमती सिक्के के बारे में। दोस्तों इन सिक्कों में कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जो आपको लाखों रुपए तक दिला सकते हैं, तो उन सिक्कों की जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू करो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और साथ ही अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के उस सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कर दें, और उसके बाद एक घंटे बन के आएगी उसे भी आप जरूर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक रुपए के इन सिक्कों को 1982 से 1991 के बीच चला गया था और इन सिक्कों को बनाया गया था कॉपर निकल की मिश्र धातु से। इन सिक्कों का वजन है 6 ग्राम और इन्हें बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा के मिंटों में तैयार किया गया था। इन सिक्कों में कुछ सिक्के विदेश में भी तैयार किए गए थे। इन सिक्कों के डिजाइन के बारे में बात करें तो सामने वाले भाग पर आप रुपया और नीचे अंग्रेजी में रूपी लिखा हुआ देख सकते हैं, और इसके नीचे सिक्के के बनने का सन और उसका मिंट मार्क है। साथ ही आप सिक्के पर गेहूं की दो बालियां भी बनी हुई देख सकते हैं। सिक्के के पिछले भाग पर भारत हिंदी में और इंडिया अंग्रेजी में लिखा गया है, और उसके साथ ही बीच में अशोक स्तंभ को बनाया गया है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। दोस्तों एक रुपए के ऐसे कुछ सिक्कों को हैटन मिंट में भी तैयार किया गया था। बाजार में सिक्कों की मात्रा को बढ़ाने के लिए कभी कभी सरकार विदेशों में भी सिक्कों की मिंटिंग करवाती है, जिसके द्वारा हमारे देश में सिक्कों की कमी की पूर्ति की जा सके। एक रुपए के ऐसे नॉर्मल सिक्कों को कॉपर निकल की मिश्र धातु से बनाया जाता था। 1985 में ऐसे ट्रायल कॉइन जारी किए गए जिनको केवल कॉपर की धातु से बनाया गया, और इस सिक्के को हाल ही में नीलाम किया गया है 2,50,000 रुपए में। दोस्तों ऐसे कॉपर की धातु से बनाए गए एक रुपए के ऐसे सिक्कों को नॉर्मल चलन के लिए जारी नहीं किया गया था, ये ट्रायल के तौर पर जारी किए गए थे और सरकार के मान्यता देने के बाद ही आम चलन में आ सकते थे। पर इन सिक्कों को कभी भी आम चलन के लिए जारी नहीं किया गया और केवल कॉपर निकल वाले सिक्के ही बाजार में आए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या कॉपर निकल से बने सिक्के भी कीमती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे सिक्के भी काफी ज्यादा कीमती हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा कीमती सिक्का है 1982 का जो कि बॉम्बे मिंट में तैयार किया गया था, और ये सिक्का कॉमन सर्कुलेशन में जारी किया गया है और इस सिक्के की वर्तमान समय में कीमत 40,000 रुपए है। इसके साथ ही दोस्तों और भी कुछ एयर के सिक्के हैं जो काफी ज्यादा कीमती माने जाते हैं। इनमें 1984 का जो सिक्का है हैदराबाद मिंट का, वो भी काफी ज्यादा रेयर है और वर्तमान समय में ऐसे सिक्के की कीमत 100 से 120 रुपए तक है। इसके बाद अगला कीमती सिक्का है 1986 का जो कि हैदराबाद मिंट में जारी किया गया था, और इस सिक्के की वर्तमान समय में कीमत 200 रुपए से 250 रुपए के बीच में है। इसके बाद अगला कीमती सिक्का है 1988 का नोएडा मिंट का सिक्का, जिसकी वर्तमान समय में कीमत UNC कंडीशन में 500 रुपए से 600 रुपए के बीच में है। इसके बाद अगला कीमती सिक्का है 1989 का नोएडा मिंट का, जो कि UNC कंडीशन में आपको दिला सकता है 100 से 150 रुपए के बीच में। इसके बाद एक और कीमती सिक्का है 1990 का, ये भी नोएडा मिंट का सिक्का है और इसकी वर्तमान समय में कीमत 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में है। तो ये थे कुछ एक रुपए के कीमती सिक्के। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास भी ऐसे कोई कीमती सिक्के हैं तो अब आप हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com पर आकर अपने पुराने नोटों और सिक्कों को सेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर यहाँ से आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप गूगल पर indiancoinmill.com सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय होगा।